नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। 84 लाख योनियों का रहस्य। आप कितने योनि के बाद मनुष्य में जन्म लिए हैं, कितने कठिन के बाद मनुष्य में जन्म मिलता है। 84 लाख योनियों अलग अलग पुराणों में अलग अलग बताई गई हैं, लेकिन है सभी एक ही। अनेक आचार्यों ने इन 84 लाख योनियों को दो भागों में बांटा है। दोस्तों, हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। आत्मा परमात्मा के अंश है और वह अजर अमर अविनाशी है। परमात्मा परम प्रकाश है, तो आत्मा भी परम प्रकाश है। परमात्मा की सभी गुण आत्मा में है। आत्मा की मूल प्रकृति परम शांति, परम ज्ञानी, परम शक्तिशाली है। परमात्मा अनंत है, लेकिन आत्मा उसकी सिर्फ एक छोटा सा अंश है। आत्मा एक बूंद है, तो परमात्मा एक सागर है। आत्मा की मूल निवास स्थान परमात्मा ही है, यानी कि परम धाम। श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा को जानना बहुत कठिन है। ना हम इसको इस आँख से देख सकते हैं, ना हम इसको इस कान से सुन सकते हैं, ना हम इसके स्वरूप के बारे में चर्चा कर सकते हैं। इसको जब भी कोई अनुभव करता है तो आश्चर्य हो जाता है, क्योंकि आत्मा या शरीर बहुत विलक्षण है। हम अभी सिर्फ एक साधारण मनुष्य के आत्मा और शरीर के बारे में चर्चा करेंगे। पहले शरीर के बारे में पूरा ज्ञान होना जरूरी है। हमारा शरीर के 5 तत्व से सिर्फ 2 तत्व दिखता है, और बाकी के 3 जैसे कि अग्नि, वायु और आकाश नहीं दिखता है। लेकिन यह 3 अदृश्य तत्व हमारे शरीर में है, और हम अग्नि और वायु को अच्छी तरह से महसूस करते हैं, लेकिन आकाश तत्व को महसूस नहीं कर पाते हैं। बहुत कम लोग उसको महसूस करते हैं जिसका मन शांत है। इसलिए आध्यात्मिक विज्ञान के हिसाब से कोई भी मनुष्य के 3 शरीर हैं। हमारा हर कर्म यह 3 शरीर से ही होता है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया है कि कर्म प्रकृति में ही होता है और इसके आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है। लेकिन यह आत्मा की अज्ञान अंधकार में डाल के बंधन में डाल देता है। एक शरीर से दूसरे का सृजन होता है, जैसे कि पहले कारण शरीर बनता है, उसके बाद सूक्ष्म शरीर और अंत में तू शरीर बनता है। जैसे स्थूल दुनिया में हमारे ऊपर कोई ज्यादा वजन डाल दें तो हम घुटन महसूस करते हैं और हमें चलने फिरने में दिक्कत होता है। यह सांसद दायित्व 3 चीजों से बनता है कि शारीरिक चिंता अपना और अपने परिवार का, मानसिक चिंता, सामाजिक चिंता, समाज में अपना प्रतिष्ठा या सम्मान की चिंता। सबसे ज्यादा वजन आत्मा के ऊपर यह स्थूल शरीर ही डालता है। जब आत्मा के ऊपर कोई वजन नहीं रहेगा तो वह कहीं भी जा सकता है और अपने मूल स्थान जहाँ से आत्मा निकला है वहाँ जा सकता है। इसलिए हर गुरु या आध्यात्मिक किताब बोलता है कि आपने मूल स्थान को याद करो। और श्रीमद् भगवत गीता में भी अंतिम अध्याय में अर्जुन बोलता है कि मुझे सब कुछ याद आ गया, यानी उसकी आत्मा की मूल स्थान की याद आ गया। हमारे आत्मा के ऊपर इतना वजन है कि हमारी याद ही नहीं है कि हमारा मूल स्थान क्या है। इसलिए हम इस दुनिया में कितने गुरु, कितने भगवान बना लिए हैं, लेकिन हमें शांति नहीं मिल रही है। यह मनुष्य जीवन भी 84 लाख योनि में से एक है, और इस योनि में मनुष्य में इतना सोचने की शक्ति है कि वह अपनी आत्मा की मूल स्थान की खोज कर सकता है, और बाकी योनि में यह खोज नहीं हो सकता है। इसलिए मनुष्य जीवन को बहुत मूल्यवान कहा गया है। आप इसे इस तरह समझें, एक पानी के जीव जंतु 9 लाख, 2 पेड़ पौधे 20 लाख, 3 कीड़े मकोड़े 11 लाख, 4 पक्षी 10 लाख, 5 पशु 30 लाख, देवता दादी पुलिया कुल योनिया 84 लाख। प्राचीन भारत में विज्ञान और शिल्प ग्रंथ में शरीर रचना के आधार पर प्राणियों का वर्गीकरण किया गया है, जिसके अनुसार मनुष्य जन्म कब मिलता है। एक प्रचलित मान्यता के अनुसार एक आत्मा को कर मुक्ति अनुसार 30 लाख बार वृक्ष योनि में जन्म होता है। उसके बाद जलचर प्राणियों के रूप में 9 लाख बार जन्म होता है। उसके बाद कृमि योनि में 10 लाख बार जन्म होता है, और फिर 11 लाख बार पक्षी योनि में जन्म होता है। उसके बाद 20 लाख बार पशु योनि में जन्म लेना होता है,
अंत में क्रमानुसार गांव का शरीर प्राप्त करके आत्मा मनुष्य योनि प्राप्त करता है और तब 400,000 बार मानव योनि में जन्म लेने के बाद पितृ यादव योनि प्राप्त होती है। यह सभी कर्मानुसार चलता है। मनुष्य योनि में आकर नीच कर्म करने वाला पुल नीचे की योनियों में सफर करने लग जाता है, अर्थात उल्टे क्रम में गति करता है, जिसे ही दुर्गति कहा गया है। होता है जिनके पुण्य पाप कम होते हैं, जिनके पाप अधिक होते हैं, जिनके पाप कम होते हैं वह मनुष्य का, और जिनके पाप अधिक होते हैं वह पशु पक्षियों का। जिनके पाप अधिक होते हैं वह स्थावर प्राप्त करते हैं, अर्थात वृक्ष लता आदित्य शरीर में उत्पन्न होते हैं। उसके बाद 200,000 बार पशु योनि में जन्म लेना होता है। अंत में क्रमानुसार गांव का शरीर प्राप्त करके आत्मा मनुष्य योनि प्राप्त करता है और तब 400,000 बार मानव योनि में जन्म लेने के बाद पितृ यादव योनि प्राप्त होती है। यह सभी कर्मानुसार चलता है। मनुष्य योनि में आकर नीच कर्म करने वाला पुल नीचे की योनियों में सफर करने लग जाता है, अर्थात उल्टे क्रम में गति करता है, जिसे ही दुर्गति कहा गया है। जिनके पुण्य पाप समान होते हैं वह मनुष्य का, और जिनके पुण्य कम तथा पाप अधिक होते हैं वे पशु पक्षी का शरीर धारण कर उत्पन्न होते हैं, और कितने ही जिनके पास अत्यधिक होते हैं थावर भाग को प्राप्त होते हैं, अर्थात वृक्ष हतारिण आदि जड़ शरीर में उत्पन्न होते हैं। वल्ली 2 के 7वें मंत्र में यमराज जी कहते हैं कि अपने अपने शुभ शुभ कर्मों के अनुसार शास्त्र, गुरु, संघ, शिक्षा, व्यवसाय आदि के द्वारा सुने हुए भावों के अनुसार मरने के पश्चात कितने ही जीवात्मा दूसरा शरीर धारण करने के लिए वीर्य के साथ माता की योनि में प्रवेश कर जाते हैं। जिनके पुण्य पाप समान होते हैं वे मनुष्य का, और जिनके पुण्य कम तथा पाप अधिक होते हैं वे पशु पक्षी का शरीर धारण कर उत्पन्न होते हैं, और कितने ही जिनके पाप अत्यधिक होते हैं स्थावर भाव को प्राप्त होते हैं। 84,000,000 योनियों में भटकने के बाद वह फिर मनुष्य शरीर में आता है। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।